कई बार हम अपने ही दिमाग के बनाए हुए दायरे में कैद होकर रह जाते हैं और इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल सा लगता है, पर हम ये कर सकते हैं। लेखिका ने हमें यहाँ अपने अंदर की कठिनाइयों के बारे में बताया है और ये भी कि कैसे उन्होंने इसको जीता। ये उन लोगों के लिए भी एक वेक अप कॉल जैसा ही है जो अपनी आंतरिक शांति, इनर पीस और जीवन में संतुलन, बैलेंस नहीं ढूंढ पाए हैं। इस बुक में हम कुछ जीवन बदलने वाले टैक्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिवर्स आपके पीछे खड़ा है। कई हजारों साल के कंसेक्यूटिव उन्नति, एवोल्यूशन के बाद अब ऐसा वक्त आ गया है कि लगभग हर इंसान के पास भर पेट खाना और सर पर छत है, लेकिन हम अपनी जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति, इनर पीस खो चुके हैं। हम अपने जीवन में वो तालमेल नहीं बिठा पाते जिसकी हमें जरूरत है। दुनिया की कोई और सुख इस आंतरिक शांति की जगह नहीं ले सकती। ये किताब इसी का एक जवाब है कि किस तरह हम आंतरिक शांति हासिल करें और अपने जीवन को सार्थक, मीनिंगफुल बनाएं। आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि लोग उस तरह नहीं बढ़ रहे जिस तरह से उनकी आय, इनकम बढ़ रही है। उनके पास धन तो है लेकिन आंतरिक शांति नहीं है। यही वजह है कि ज्यादातर अमेरिकन की अच्छी आय होने के बावजूद भी वो डिप्रेशन के शिकार हैं। लेखिका बताती है किस बात ने उन्हें ये किताब लिखने के लिए प्रेरित, इंस्पायर किया। 2015 में उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। थकान, दिन रात काम करना, चिंता, डिप्रेशन सब की वजह से उनके चेहरे की बाएं, लेफ्ट तरफ सुन्न, नंब हो गया। वोडकोटर के पास गई और जब उन्होंने चेक किया तो सब कुछ शारीरिक, फिजिकली रूप से नॉर्मल निकला। वो इस निष्कर्ष, कंक्लूजन पर पहुंची कि ये एक पैनिक अटैक था जो कि गंभीर डिप्रेशन और चिंता की वजह से हुआ था। जरा सोचिए, एक अच्छी आय वाली, सफल, शांतिपूर्ण महिला जो एक मां, जीवन साथी भी है, को ऐसा पैनिक अटैक आया, वो भी बिना किसी चेतावनी, वार्निंग और साइन के। कुछ लोग अपने इस असुविधा से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं, इस बात को समझने के लिए सिगमंड फ्रॉयड, एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, ने कुछ अनुसंधान, रिसर्च किए। सिगमंड फ्रॉयड ने नोटिस किया कि मरीज ठीक नहीं हो रहे थे और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन मरीजों के अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें बढ़ने नहीं दे रहा है या अपने आंतरिक संघर्ष को जीतने नहीं दे रहा है। एक यूनिवर्सल पावर है जो हमें इन सब चीजों से लड़ने में मदद कर सकती है। ये एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो हमारी लाइफ में चल रही उथल पुथल से हमें बचा सकती है। लेखिका ने याद किया कि ऐसा एक पैनिक अटैक उन्हें पहले भी आ चुका है जब वो एक किशोरी, टीनेजर थी। तब वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ट्रिप पर घूमने चली गई थी। एक दिन एक अलग, पृथक, आइसोलेटेड कमरे में उन्होंने एहसास किया कि इस तरह उदास रहकर कुछ भी नहीं होने वाला है। वो अपनी आंतरिक शांति के लिए खुद को माफ कर देना चाहती थी। उन्होंने खुद को माफ किया और एक नई ऊर्जा, एनर्जी लेकर उठी। अब बुरे विचार के काले बादल जा चुके थे और वो एक पूरे अलग ही मन की स्थिति में थी। जब ये चिंता के एहसास दूर होने लगी, वो फिर से दुनिया के सुख के बारे में सोचने लगी। किसी के साथ रिलेशनशिप में होना, अपने करियर में टॉप पर पहुंचना, ये फिर से उनकी पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटी बन गई। उन्होंने ड्रग्स और शराब पीना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा फैसला था जो उन्हें और भी पीछे ले गया। जीवन में भी मंदी, स्लोनेस आ गई जिससे बाहर निकलना मुश्किल था। वो शर्मिंदा हुई ये सोच के कि वो खुद को धोखा दे रही थी। लेकिन जो भी हो, कभी भी बदला जा सकता है। उनके अंदर डिप्रेशन को दूर करने की इच्छा थी। यूनिवर्स पुल का सोर्स और पदार्थ, सब्सटेंस है। लेखिका ने अपने अनुभूति, परसेप्शन को बदलने की महत्व पर जोर दिया। उनको उन लोगों की चिंता होती थी जो किसी की स्थिति को बिना देखे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं बिना अपने नजरिए को बदले हुए। उन्होंने अपना पॉइंट साबित करने के लिए उदाहरण देकर दिखाया है
जब आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं और फिल्म में जब खलनायक नायक का इंतजार कर रहा होता है किसी कोने में उस पर हमला करने के लिए, तो हम मानो अंदर ही अंदर ये कहते हैं, वहां मत जाओ, वहां खतरा है आदि। ये हमारी एक ही गलती को बार बार करने की प्रवृत्ति ट्रेंड दिखाती है और ये हमको एक ही जगह बांधे रखती है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए इस तरह की मानसिक प्रवृत्तियों मेंटल टेंडेंसीज पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। यूनिवर्सल लॉ 2, खुद से ये तीन चरण की प्रक्रिया का पालन करने को कहें। चरण एक, ऐसी कौन सी बात सोच या कहानी है जो आप बार बार अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। चरण दो, अपने दिमाग में आप कौन सी इमेज सकारात्मक रूप से देखते हो। चरण तीन, अपनी शक्ति से रिकनेक्ट करो। इसमें कोई शक नहीं कि आज अभी जो हो रहा है उसके पास ही सबसे ज्यादा शक्ति है। कुछ लोग इसे भगवान मानते हैं, किसी के लिए ब्रह्मांड, किसी के लिए अंतर्ज्ञान इंट्यूशन, तो किसी के लिए जोन। आप इसे जो भी कहे ये आपके लिए एक सा ही काम करेगा। लेखिका हमें बताती है कि असली शक्ति उपस्थिति प्रेजेंस में है, जो कि पुराने विश्वासों के खिलाफ जाती है और आपके इनर वर्ल्ड से संघर्ष करती है। यूनिवर्सल लॉ सबके लिए एक से होते हैं, जो भी इसमें विश्वास करता है। ध्यान और प्रार्थना दो ऐसी चीज है जो ब्रह्मांड के दरवाजे आपके लिए खोल सकती है। नाराजगी और चिंता बताती है कि आप अपने दिमाग की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं। आपका देखने का नजरिया ही आपका भाग्य तय करता है। आज के पल में जीने में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। जब आप गलती से भी ये कनेक्शन तोड़ देते हैं तो आप प्रार्थना की मदद से इसे फिर से पा सकते हैं। अगर आप जो देखते हैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार होते हैं, तब आप अपने मन की स्थिति में अचानक आया हुआ बदलाव देखेंगे। आप अपनी बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया के बीच में कनेक्शन होने से इनकार नहीं कर सकते। जैसे कई लोग सोचते हैं कि अमीर देश के लोग ज्यादा बेहतर और खुशी से रहते होंगे, तो वो लोग गलत है। महात्मा गांधी ने कहा था, आपके माहौल और आवश्यकताएं के बावजूद भी हर एक को हर एक से प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। ऐसी बहुत स्थिति सिचुएशन बनी जो उनको अपने रास्ते से भटका सकती थी, लेकिन वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं और अपने सही इरादों पर ही रहे। इसने उन्हें एक महान नेता बनाया। एक भटका हुआ व्यक्ति दुनिया को बदलना चाहता है, एक समझदार व्यक्ति खुद को बदलना चाहता है। किसी और पर अपने विचार और मान्यता थोपने की बजाय वो खुद के अंदर झांकते हैं। इस बुक में लेखिका बताती है कि कैसे 12 मिनट की कीर्तन क्रिया को रोज करने से आपकी स्पिरिट अपलिफ्ट होती है और आप एक बेहतर मूड महसूस करते हैं। ये आपको खुद को समझने में मदद करती है और आपको सही फैसला लेने में मदद करती है। लेखिका बताती है कैसे हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल रूप से मच्योर होने के फायदे ले सकते हैं। उन्होंने इस 6 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कहा है। चरण एक, मार्गदर्शन के लिए पूछे। चरण दो, तुरंत पवित्र अभ्यास करें। चरण तीन, तेजी से वापसी करें। चरण चार, आप जो पाना चाहते हैं उसे मांगे। चरण पांच, अपना उद्देश्य बयान बनाए या लिखे। चरण छेद, आप अपने सपनों को देखने वाला सपना है। आप सोच रहे होंगे डर से बचना ही अंतिम लक्ष्य है, लेकिन मामला ये नहीं है। आपको अपना असली शिक्षक पहचानना है जो यह ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड को अच्छे से समझने के लिए इस नियम पर टिके रहे। मुश्किल हालात सिचुएशन तब होती है जब आपको अपने इमोशन से अलग होकर यूनिवर्स के साथ कनेक्शन को मजबूत करना होता है। यूनिवर्सल लव को सुनिश्चित करने के लिए आपको सही मानसिकता रखने की जरूरत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, बंदर की तरह अपना ध्यान न भटकने दे। सीधी सी सलाह उन लोगों के लिए जो ट्रांजिशन के दौरान भटकते हैं। ये एक पावरफुल एक्सरसाइज है जो आपको तब मदद कर सकती है जब आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको फिर से ट्रैक पर लाने के लिए ये एक्सरसाइज है। ध्यान से आप अपने दिमाग को शांत करके इसे पूरी तरह से आराम दे सकते हैं।
कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि ऊपर वाला आपके साथ नहीं है, तब भी ब्रह्मांड अपना काम कर रही होती है। लेखिका बताती है कि कैसे जुनून, ऑब्सेशन को कंट्रोल में रखना जरूरी है, वरना ये बैकफायर कर सकता है। लेखिका अपने प्रेग्नेंट होने को लेकर ऑब्सेस्ड थी। वो अपनी प्रेगनेंसी टाइम को लेकर इतनी परेशान थी कि इस बीच वो अपनी लाइफ एंजॉय करना भूल गई। और ये एक ऐसा प्रोसेस था जो मोमेंटम गेन कर रहा था, उन्हें रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट बनाया और इस कारण वो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाई। यहां तक कि उन्होंने खुद को अपने उन दोस्तों से तुलना करना शुरू कर दिया जिन्होंने अभी अभी बेबी कंसीव किया। हमें वो इंसान बनना है जो आगे का लक्ष्य सेट करते हैं और स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए तैयारी करते हैं। हम आज में नहीं जीते हैं। यह प्रक्रिया एक ऐसा प्लान है जो हमें अपने ट्रैक पर रहने में मदद करता है। हमारी ये अनदेखी हमें असल दुनिया को देखने नहीं देती और हमें गुमराह करती है। समझें कि आप खुश रहने के लायक हैं। आज की तारीख में कई लोग ऐसे हैं जो जीवन पर गिव अप कर चुके हैं, जबकि वो अपने प्राइम टाइम पे है। ये एक ऐसा तथ्य है जो ज्यादातर लोगों पे लागू होता है और होता रहेगा, और इससे दूर बहुत कम लोग जा सकते हैं। इसके लिए लेखिका कहती हैं कि खुशी एक पसंद है उनके लिए जो इसे चाहते हैं। ये कोई दिखावटी चीज नहीं है, बल्कि इनर डेवलपमेंट और ताकत है। ये एक मनोस्थिति है मन और दिल की, जिसे हासिल करने के लिए हमें कोशिश करनी होगी। आग को दूसरी तरफ रखें। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा एक ऐसी चीज है जो आपको डिलाइटफुल अनुभव से अलग करती है, तो आपको फिर से सोचने की जरूरत है। अपने कार्यस्थल पर आक्रामक रणनीति लागू करने से वो हासिल हो सकता है जो आप चाहते हैं, लेकिन इसी विचार से आप वास्तविक संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बेहतर है कि आप अपना अप्रोच एडजस्ट करें जब इस तरह की मानसिक प्रवृत्तियों के साथ डील कर रहे हो। सरेंडर की कला। ये ऐसी फिलॉसफी है जो परंपरागत ट्रेडिशनल ज्ञान के खिलाफ जाती है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लोग नेता बनना चाहते हैं लगाम अपने हाथ में रखने के लिए। स्पिरिचुअलिटी में आपको इन बातों में ढील देनी होती है और रिजल्ट को कंट्रोल करने वाली कोशिशों से ब्रेक लेना होता है। संपर्णता की कला इसमें आपकी मदद करेगा, एक बड़ी तस्वीर देखने में कि कैसे फ्लो के साथ चलते रहना एक बेहतरीन फैसला हो सकता है। विचार वास्तविकता रियलिटी बन जाते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ जाहिर करते हैं, हर एक सोच एक एनर्जी फ्लो बनाता है। ये एनर्जी इसकी ही तरह की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को आकर्षित करता है। जब आप सोच रहे होते हैं कि आप कोई काम ठीक से नहीं कर सकते, तो आप सच में उस काम को कभी ठीक से नहीं कर पाएंगे और आप ऐसे ही बन जाएंगे। इसका ठीक उल्टा ये भी सच है, जब आप सोचते हैं कि आप कोई काम करने में बहुत अच्छे हैं, तो आप उसमें और भी अच्छे बनते जाते हैं। आप में ऊर्जा एनर्जी आती है जो आत्मविश्वास पैदा करती है और आप महान अनुभव आकर्षित करते हैं। आपका हर एक विचार ब्रह्मांड को जाता है और आपके सोच ही आपकी नियति फेट तय करते हैं। अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन की दुर्घटना मिसहैप्स। मैनिफेस्टेशन आजकल एक ट्रेंडी शब्द बन चुका है। वैसे ये बहुत अच्छा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल बहुत ट्रेंडी है, लोग इसके बारे में बात भी करते हैं, लेकिन ये उन लोगों को गुमराह भी कर सकते हैं जो कड़ी मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप अपनी एनर्जेटिक पावर को ग्रेटनेस में बदलना चाहते हैं, तो आपको खुद में विश्वास करना होगा। चमत्कार एक कोर्स यही चीज हमें दूसरे तरीके से समझाती है। आपके जीवन में जो हुआ है, कभी न कभी आपने जाने या अनजाने में उसकी इच्छा की होती है। आपके इरादे ही आपकी रियलिटी बनते हैं। सिर्फ ये जानकर कि आपके नकारात्मक विचार आपको अपनी जीवन में लो लेवल पर रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, आप अपनी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अपने लो लेवल सोच के बारे में ईमानदार बनकर उन्हें पहचान कर आप वो पा सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं।
इन्हें पहचान कर खत्म करके आप सकारात्मक परिणाम प्रकट कर सकते हैं। कई लोग जब कुछ पाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं बाहरी फैक्टर पे, ना कि इंटरनल फैक्टर पे। चमत्कारों के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हमारा आंतरिक अनुभव ज्यादा जरूरी है। हम जो भी चुनते हैं, चाहे प्यार हो या डर, अगर हम प्यार चुनते हैं तो हम ज्यादा प्यार आकर्षित करेंगे, और जब हम डर अनुभव करते हैं तो और ज्यादा डर आकर्षित करेंगे। कई लोग कहते हैं कि कैसे हम क्या ऐसा पा सकते हैं जिससे हमें बेहतर महसूस हो, बजाय इसके हम कैसे बेहतर महसूस कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए 5 सिद्धांत। नीचे 5 नियम दिए गए हैं। जब आप इनको अमल में ला रहे होते हो, ये सुनिश्चित करें कि अच्छा महसूस होना आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए और बाकी चीजें बाद में। खुद को याद दिलाएं, जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हो तो आप अपने आप अच्छी चीज आकर्षित करने लगते हो। जब आपका प्राइमरी फंक्शन खुश होने के लिए होता है तब बाकी चीज पर आपका ध्यान जाता ही नहीं, आपका प्राइमरी फंक्शन हैप्पीनेस ही होता है और वही आपको मिलता है। सिद्धांत 1, रिक्त स्थान। अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको कुछ समय निकालना पड़ेगा ये विश्वास बनाने के लिए आपके पास खुश रहने की शक्ति है, और इसका सबसे अच्छा रास्ता है प्रार्थना। यूनिवर्स से रोज प्रार्थना करें कि आपको उन सारे अविश्वासों से आजाद करे जो आपको खुश रहने से रोक रहे हैं। अपने आप को ब्रह्मांड की तरफ से भेजे जा रहे संदेशों के लिए खुला रखें और आपको सौंपे गए कामों को पूरा करें। यूनिवर्स के असाइनमेंट कई रूप में आते हैं। हो सकता है आपको उस रिश्ते से बाहर निकलने का टास्क असाइन किया गया हो गया जिस रिश्ते ने आपको सिर्फ दुख दिए हो, या हो सकता है आपने आपके वो काम खो दिए जो आप कर रहे थे ताकि आप खुद पर आश्रित डिपेंडेंट होके अपना कुछ कर सके। यूनिवर्स के इन असाइनमेंट्स पर भरोसा रखें और आप जो चाहते हैं उसके लिए जगह बनाएं। आपका काम है प्रार्थना करना उस गाइडेंस के लिए जिससे आप उन सारे अविश्वासों को ब्लॉक कर पाओ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और तब ब्रह्मांड आपको मदद करेगा वो पाने में जो आप पाना चाहते हैं। इस बात पर भरोसा करें कि जितना आप अपने विचार को स्वच्छ करेंगे उतना सकारात्मक प्रभाव आप अपनी जीवन में ला पाएंगे। सिद्धांत 2, स्पष्ट हो जाओ। स्पष्टता क्लैरिटी सबसे ऊपर है जब बात अपनी इच्छा को प्रकट करने की होती है। आपके इरादे क्लियर होने चाहिए कि आप बिल्कुल क्या चाहते हैं, वरना आपको वो मिलेगा जो आप नहीं चाहते हैं। फोकस करें अपनी इच्छाओं पर और उसकी एक सूची बनाएं। अपने काम की स्पष्टता रखें, आपको आपके काम से बिल्कुल क्या चाहिए और क्या चीज आपको खुश करेगी, ऑफिस लॉग सैलरी इत्यादि। इस बारे में नीचा महसूस करने की जरूरत नहीं है, ये सूची आपके इरादे स्पष्ट करने में आपकी मदद करेगी। इस कदम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि आपको स्पष्ट करना है कि आप किस तरह महसूस करना चाहते हैं। जब आप इस बारे में साफ होते हो आप अच्छा महसूस करने लगते हो, और ये फीलिंग आपको वो चीज मैनिफेस्ट करने में मदद करती है जो आप पाना चाहते हो। आप हजारों की सूची बना सकते हैं, लेकिन अगर आप में स्पष्टता नहीं है कि आपको बिल्कुल क्या चाहिए, ये कभी भी आपको नहीं मिलेगा। सिद्धांत 3, इसे सोचो महसूस करो विश्वास करो। अब इन चरणों को एक साथ रखें। अपनी मंशा इंटेंशंस साफ रखें और कुछ वक्त इन्हें महसूस करके बिताएं। आप इन फीलिंग्स को एक्सेस करने के लिए ध्यान का सहारा ले सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, या आप कोई ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। जितना आप वो महसूस करते हैं जिसकी आपको इच्छा है, उतना ही आपको विश्वास होता है कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो आप वहां पहुंच चुके हैं। तो समय निकाले सोचने के लिए, महसूस करने के लिए, विश्वास करने के लिए। सिद्धांत 4, शांत हो जाओ। ये कदम बड़ा क्रिटिकल है। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए आपको चिल करना होगा, मजे करना होगा।
चमत्कार एक कोर्स बताती है, ऐसे लोग जो निश्चित होते हैं परिणाम को लेकर वो उसका इंतजार कर सकते हैं बिना पैनिक हुए। ये संदेश अपने साथ ले और खुद की वफादारी को अनुमति दें अपने सपने में विश्वास करने के लिए। जबकि आप क्लियर है कि आपको क्या चाहिए, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इसकी टाइमिंग क्या रहेगी और ये आप तक किस फॉर्म में आएगा। इसलिए शांत रहे, आराम से रहे और यकीन करे कि ब्रह्मांड आपके साथ है। सिद्धांत 5, जानिए ब्रह्मांड यूनिवर्स के पास आपकी पीठ बैक है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, जब आप जानते हैं कि आप नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, तब आपके अविश्वास दूर होते हैं। जब आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं, आप अपने मन की जगह को साफ करते हैं और खुश होते हैं। ये प्रोसेस हीलिंग और पावरफुल है और ये आपको खुद को गहराई से जानने में मदद करती है और इसमें भी कि आप कहां जाना चाहते हैं। इस पल में अपनी महानता को स्वीकार करना आपकी महानता को और ज्यादा बड़ा करता है। जब आप इसे महसूस करते हैं तब आप इसे जीते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या होता है। यूनिवर्स आपकी एनर्जी को कैच करती है और आपको उसी फॉर्म में परिणाम रिजल्ट मिलते हैं। निष्कर्ष, खुश रहने के लिए प्रतिबद्ध कमिटेड रहें। इन 5 स्टेप्स के लिए प्रतिबद्ध रहे और यकीन करें कि आप वहां है जहां होने की आपको जरूरत है। क्या आपका मुख्य लक्ष्य अच्छा महसूस करना है? तो यकीन करें कि आपको वो सब मिलेगा जो इस फीलिंग को उत्पन्न जनरेट करने के लिए आपको चाहिए। ये समझे कि खुश रहना ही असली उद्देश्य है जिंदगी का, बाकी सब आइसिंग ऑन द केक है।